अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी वो हो गया जो छत्तीसगढ़ में इसके पहले कभी नहीं हुआ। नाराज पब्लिक ने एक एएसपी की चप्पल से पिटाई कर दी और ये एएसपी महिला एएसपी। एएसपी को जान बचा करके भागना पड़ा क्योंकि जबरदस्त पथराव हो रहा था और इस भागते समय जो है एएसपी गिर जाते हैं लेकिन पथराव जारी रहता है। स्वास्थ्य कर्मी की थाने में मौत के मामले में पब्लिक भड़की हुई है और पुलिस किसी भी तरीके से स्वास्थ्य कर्मी का अंतिम संस्कार करने पर अड़ी हुई है और इसी को लेकर के नया बवाल खड़ा। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कल यानी 24 अक्टूबर से शुरू हुआ बवाल अभी भी जारी है लेकिन इसके पहले जो भी हुआ है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। कई ऐसी वारदातें इसके पहले अलग अलग जिलों में हो चुकी हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई लेकिन बलरामपुर में आज दोपहर में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जुड़ गया है। पूरा मसला ये हुआ कि जब कल जो है एक स्वास्थ्य कर्मी गुरुचंद मंडल की पुलिस थाने में मौत हो जाती है उसके बाद जनता भड़क जाती है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी मृत्यु हुई है। कई ग्रामीण ये भी तभी जुबान में आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पिटाई से मौत के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया ताकि उसे एक हादसा बताया जा सके लेकिन पुलिस जो है किसी भी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कल ही जो है पुलिस पर भयंकर तरीके से पथराव किया गया था, थाने पर पथराव किया गया था। पुलिस ने अपने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़े थे, इसके अलावा लाठीचार्ज भी हुआ था। पुलिस अब कल से चल रहे बवाल को दबाने की कोशिश में आज एक जल्दीबाजी कर बैठी। पुलिस चाहती थी कि किसी भी तरीके से मृतक का अंतिम संस्कार हो जाए जबकि पब्लिक ये डिमांड कर रही थी कि जब तक कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस मामले में बंगाली समाज भी एकजुट हो गया था, उसने भी एक ज्ञापन दे करके ये मांग रखी थी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मृतक का अंतिम संस्कार ना किया जाए लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से चाहती थी कि मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जब पुलिस मृतक की बॉडी को लेकर के उसके गांव नवाडी के लिए निकलती है तब भी उसका जबरदस्त विरोध होता है। जिला अस्पताल परिसर में जसपुर की एएसपी को भी व्यवस्था के लिए बुलाया जाता है। यहीं जो है महिलाएं उनको घेर लेती हैं और उनको चप्पल से पीट देती हैं। बचाव के लिए वो अस्पताल परिसर के अंदर जाती हैं लेकिन वो बार बार लाठी जमीन पर मार करके लोगों को चेतावनी देती हैं, डराने की कोशिश करती हैं लेकिन भीड़ जो है उन पर पथराव कर देती है और जब ये पथराव शुरू होता है तो एएसपी भागती है और इस भागने के दौरान वो गिर जाती है। गाड़ी पत्थर मत मारना, गाड़ी मार रहे सर, मारो गाड़ी मत मारना पत्थर, पत्थर नहीं।
इधर ये पूरा मामला हुआ और दूसरी तरफ नवाडी गांव में पुलिस जब मृतक की बॉडी लेकर के पहुंचती है, लकड़ियां भी लेकर के जाती है, पुलिस बल को भी लेकर जाती है, लेकिन वहां आक्रोशित महिलाएं और लोग पहले से तैयार खड़े रहते हैं। लोग जो है लाठियां, महिलाएं जो है खासतौर पर लाठियां लेकर के पुलिस को चेताती हैं। जब तक कि मृतक की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करने देंगी। आप देखिए वीडियो में आप दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महिलाएं लाठियां लेकर के खेतों में खड़ी हैं। पुलिस भी जो है मृतक की बॉडी लेकर के एम्बुलेंस में जो बॉडी लेकर के गई वो खड़ी है, एक ट्रैक्टर में जो है लकड़ियां लेकर के भी पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। पूरे दिन चले बवाल के बाद शाम करीब 7 बजे इस बात की सहमति बनी कि परिवार जो है मृतक की बॉडी को स्वीकार करेगा। हालांकि परिवार ने बॉडी ले भी ली है लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, इसलिए युवक जो है जो स्वास्थ्य कर्मी है उसका अंतिम संस्कार जो है कल सुबह यानी कि 26 अक्टूबर को किया जाएगा। बच्चे यहाँ कोई मामला है उन लोग का जो बार बार पुलिस कर दिया तो वो ना करे वो एकदम नहीं से एकदम मतलब खेत में था। सोचिए हम लोग सब जन गए थे, इतने लोग सब जन तो वो आए हैं वो खेत से निकल के इतना सहम गए चलने भी नहीं पाए मेरे को उठा के ले जाएगा रात में दिन में इसका बस नहीं। अब इस प्रकार का कोई मुंडा व्यक्ति नहीं, कुछ कुछ टाइप के मामले में लेके जाएंगे, पहले हम लोग लेके जाएंगे साथ में प्रतिनिधि में बिल्कुल हम बात कर लेंगे, फिर हम लोग सरपंच को बता देंगे, संज्ञान में रखेंगे और बिल्कुल ऐसी पुनरावृत्ति में रखेंगे उनको चेस्ट का फैसला कर देंगे। ठीक है, मैं सुश्री प्रेमनी सिंह। क्या बात बनी है जी? अभी जो है ये रात हो गया है तो उनके घर वाले को कहना है कि डेथ बॉडी को अपने घर में रखेंगे, सुबह जो है अपने हिंदू धर्म के संस्कार के माध्यम से वो अपना क्रियाक्रम करेंगे। ऐसे मतलब परिजन डेथ बॉडी को ले लिए? हाँ ले लिए। इस मामले में और भी अगर कुछ अपडेट आता है तो तीरंदाज आपके लिए लेकर के आएगा। तब तक के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए, तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।